पत्रिका की आवेदन का स्वागत करता हूँ। यह है आपका असाइनमेंट। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नोमैड शुभम मेरा इंस्टाग्राम देखकर फॉलो कर लो यार, वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज डाल रहा हूँ फिलहाल में। तो मैं इस वक्त हूँ, आपने पिछली वीडियो देखी तो पता होगा कि मैं कहाँ पढ़ूँ। ये हमारी कार है और हम लोग निकल रहे हैं अब इस लेक को छोड़ के। हमारे सामने एक लेक है, इसका लेक का नाम मुझे हमेशा की तरह याद नहीं है। व्हाट्स द नेम ऑफ द लेक ब्रदर? लेक कयोगा नाम है। काफ़ी जूम कर रखा है मैंने अपने आप को। ठीक है, मैं चलता हूँ फिलहाल अब वापस से कार में बैठने के लिए। सब आ रहे हैं, ये लोग बच्चे अभी भी हमारे पीछा कर रहे हैं, बंद तो कर रहे हैं इनको मेरे इमिग्रेंट बना के इंडिया लेके चलो, बट चलो पॉसिबल नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो अब से अब आपको यहाँ का रोड दिखाते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा सूप है भाई। वीगन गिव देम, ओके, शेयर देम, ओके, एवरीबॉडी गेट्स देम, ओके, एवरीबॉडी, ओके, नॉट एवरीबॉडी। क्या बच्चे काफ़ी खुश हो गए, एकदम झगड़ा कर रहे हैं आपस में यार ये। तो एवरीबॉडी विल ईट टुगेदर, ओके, बाय 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 बाय। आस्क देम, आस्क देम, देम देम। तो भाई अफ्रीका के हाईवे में आपका स्वागत करता हूँ। ये है अफ्रीका के हाईवे। रोड की बात करें तो भाई काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी गड्ढे हैं यार, और ये रोड मैन इस विलेज कनेक्ट करता था जहाँ पे हम लोगों ने लेक देखा। तो अब आपको मैं यहाँ की जो रोड है वो भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा ही यहाँ पे खड्डा वगैरह। ये रोड ऐसे यहाँ का मेन रोड है, बाकी सूर्य निकला हुआ। ये भाई काफ़ी शानदार पार्ट है इस रोड का, ये भाई सब ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे। You never know when you're gonna get stuck, and if you do get stuck, there's no help here because we're like the only vehicle in the village. Yes, ये तो है भाई, बात सही बोल रहा है भाई, क्योंकि अगर फंस गए तो भाई निकलना मुश्किल है। हालांकि काफ़ी सारे ये लग चुके हैं, सामने थोक निकली हुई है। तो ये है अभी रास्ता, और काफ़ी ज़्यादा हरियाली है भाई जो गांडा में सच कहूँ तो, काफ़ी हरियाली है। हर तरफ आपको एकदम पेड़ पौधे मिल जाएंगे, यहाँ तक कि जो यहाँ की सिटी है कंपाला, मैंने कंपाला में भी देखा था कि कंपाला में भी काफ़ी हरियाली है। युगांडा अभी तक मेरे तक छोड़ के मुझे काफ़ी पसंद आया, और माई फेवरेट कंट्री है बन चुकी, क्योंकि कुछ दिनों में लोग काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पे, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। रियली फेवरेट कंट्री हो गई यार काफ़ी। बट इमिग्रेशन की बात छोड़ दें और कुछ छोटी चपाटी की बात छोड़ दें, जो कि मेरे साथ हुआ था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलता हूँ अभी इस रोड को, क्योंकि अभी जब रास्ते जब खराब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ऐसे ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पे भाई, ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा गड्ढा आया भाई, आई थिंक सूरज की रोशनी के कारण आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन काफ़ी बड़ा गड्ढा है ये। रास्ता ख़राब होने के बाद रास्ता थोड़ा सही हुआ है, हर इधर तो कैसे सस्ता है यार। मुझे एक बार देखने को मिला कंपाला में, कंपाला में थोड़ा गैस महंगा है, यहाँ पे जो डीजल की हमारा पेट्रोल वाला गाड़ी है, थोड़ा खिड़की बंद करेगा आवाज़ सही आएगा। तो भाई जो पेट्रोल वाला गाड़ी है, हम लोग लोग पे की है अराउंड 4000 लोकल करेंसी। 4000 सीरीज का मतलब होता है अराउंड मान के चलो 85 रुपये के आसपास, 80-85 रुपये के आसपास ये रेट चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो पेट्रोल है वो 85 रुपये के लीटर के आसपास है, और कंपाला के जब भाड़ा हो गए तो वो घटी हो जाता है 70-75। मेरे हिसाब से इंडिया में प्रत्येक स्टेट में अलग अलग होता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है छोटी जगह या बड़े जगह में, लेकिन यहाँ पे घटता बढ़ता रहता है। जो प्रत्येक गैस स्टेशन की रेट अलग होती है, इस गैस स्टेशन की अलग होती है, ऐसा मैंने कई देशों में देखा है, सिर्फ यहाँ युगांडा में नहीं, मैंने यूक्रेन में देखा था, मैंने जॉर्डन में देखा था कि रेट घटता बढ़ता रहता है। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि क्या ये सही नहीं है यार, इंडिया में सही है कि एकदम रेट टोटली सही है, एकदम हर जगह रेट सही है। हालांकि रोड काफ़ी अच्छा और सनसेट हो रहा है, और एक बात मैंने आपको बताना भूल गया था कि युगांडा में भी कर्फ्यू चल रहा है, रात के 8 बजे के बाद आपको घर के अंदर रहना पड़ता है। हालांकि हम लोग फॉरनर्स हैं तो पुलिस वाले काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, मतलब खत्म उतना कुछ बोलते नहीं, ठीक है आप बाहर हैं, लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काफ़ी बार बाहर रहे हैं, इनफैक्ट लोकल उतना फॉलो नहीं करते। कहने का यहाँ पे सिर्फ रात के 8 बजे तक कर्फ्यू है, कहने का सिर्फ यहाँ पे लोग मास्क लगाते हैं, बट कोई मास्क नहीं लगाता, आप सही लाइटिंग गाड़ी है तो कोई वगैरह मास्क नहीं लगाता। तो हमारा शीशा काफ़ी गंदा हो चुका है ये वाला, तो मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ बाहर निकाल के कि रोड कैसा है। भाई क्या शानदार सनसेट हो रहा है, सनसेट ऑलमोस्ट
हम जो जगह हम लोग निकल रहे हैं एक मुसुंडी नाम की जगह, मुसुंडी, हाँ अगर मैं नाम गलत नहीं लगा तो नाम है मुसुंडी, हम लोग जा रहे हैं मुसुंडी और वहीं पे आज रात को रहना है और कल सुबह एक नेशनल पार्क की तरफ जाएंगे। अगर आपको सेरेंगेटी याद होगा तो सेरेंगेटी जैसा कुछ दोहराने वाले हैं बट ये कुछ युगांडा वाला हाल है, तो कल हम युगांडा भी कर रहे हैं ये वाली चीज़ें। मैंने सुना है काफ़ी जिराफ्स ज़ेब्रास वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हैं सेरेंगेटी की तरह ही। छोटे से प्लेस में उसका नाम मुसुंडी कुछ नाम है, वहाँ पे मैंने पैसे वगैरह चेक किए, एक अच्छा सा बड़ा सा प्लेस है, काइंड ऑफ बिग होटल है, बट 1400-1500 रुपये मिल जा रहा है, तो भाई 1500 रुपये में अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक डील है। तो हम देखे वहीं पर रह लेंगे रात को, आज काफ़ी नींद रात की सुबह की जल्दी उठ गया था, आज नींद भी आ रही थोड़ी थोड़ी, मैं इसे थोड़ा मतलब कंपनी रहने के लिए जान बुझ के आप खोल रखा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, बट ना मैं सो गया रहता घाट में, तो अभी चलेंगे वहीं पर रहेंगे और देखेंगे आज थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, या तो चलते हैं अभी और रास्ते को इंजॉय करते हैं। मुझे हमेशा बाहर आपको निकाल के बाहर दिखाना पड़ता है क्योंकि शीशा देखो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है भाई, काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है शीशा, या तो चलते हैं बराबर। जहाँ पर आने वाले थे मसिंदी में वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, टिपर कार में बैठे बैठे काफ़ी बड़ा सा प्लेस लग रहा है ये, और ये कुछ टीवी चल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नज़ारा है, ये रिसेप्शन है भाई साहब, कोई आएंगे तो ना यहाँ पे कुछ चेक इन वगैरह करेंगे, कोई तो है ही नहीं, अभी टूरिज्म नहीं चल रहा है तो भाई कोई आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ऐसे ये काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी था तो टूरिज्म के चलते हमने सस्ता भी कर रखा है क्योंकि कोई टूरिस्ट आता ही नहीं है। हेलो ओके सो अदर ओके रिकॉर्ड सर इनके पास पूरा एकदम बाग क्लियर गिनेस, अच्छा इनके पास गिनेस भी है, सही है, बट नो फर्स्ट लेट्स चेक इन फर्स्ट, ये भेड़िया भाई आपको सुबह दिखाता हूँ, पहले चेक इन करता हूँ भाई, इनका टेक्निक बड़ा सही है यार, इन्होंने पूरा एकदम झोपड़ी जैसा बना दिया कि इनका घर कैसा दिखता है, जैसे हम लोग आ रहे हैं ये लगेगा 10 रुपये का, ये लगेगा 20 रुपये का, ये सस्ता पड़ेगा 5 रुपये का, कुछ ऐसा ऐसे बता रही थी, सही है, उन्होंने जुगाड़ बना के रखा है ये पूरा एकदम। और अभी हम लोग होटल निकलेंगे, उनको मैंने कुछ कुछ हिंदी बोला, उनको समझ ही नहीं आया, और ये है यहाँ पर भाई साहब वापस से मुझसे बेनी वापस से प्रेसिडेंट बनते हुए इस देश के, इस देश के काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, तो 40 सालों से ये लगातार प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं, कितनी अच्छी डेमोक्रेसी आपको पता ही होगा जी, आपका स्वागत होता है अंधेरे वाले रूम में, और अंधेरा रूम में अच्छा ये वाला दिस वन नो ओके ओके, ये बहन में अपना पूरा रूम दिखाने वाली है कि कितना यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है बाकी भाई, क्योंकि अभी कोई ट्रैवलर आता ही नहीं इस कोविड की वजह से, कोविड की वजह से कोई टूरिस्ट नहीं आता। डू यू ऑल्सो गेट टूरिस्ट नॉर्मली बिकॉज ऑफ कोविड, डू हैव टूरिस्ट हियर और नो? नो, बहुत दिनों से उनके पास टूरिस्ट ही नहीं आया है भाई। रूम के बाहर ये क्या काफ़ी सारे मक्खी या मकोड़े हैं यार, यहाँ पे मक्खियाँ घूम रही है, ये हमारा रूम है अगर ये लेना हो तो, हाउ मच दिस फॉर 115,000 $25 विद ब्रेकफास्ट ओके, तो भाई ये रूम वो रूम था भाई, ये अराउंड 2100 रुपये का, 77,000 ये भाई हाँ ये भाई 1400-1500 रुपये के आसपास का पड़ेगा। डू यू हैव चीपर रूम और नो? दिस इज द चीपेस्ट रूम राइट? दिस इज द चीपेस्ट रूम यू हैव? 57 और सोमी 57 वन भाई, वो 1000 रुपये का पड़ेगा, 1000 रुपये वाला देखता हूँ, जितना सस्ता उतना सही। ये फैसिलिटी भाई आपको अफ्रीका में मिलेगी, आप आ जाओ उसके बाद बोलो, आप अपना पूरा रूम दिखाओ कितना कितना पड़ेगा वो बताएंगे, जनरली अफ्रीका में ना आप booking.com से बुक करके मत आओ, डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे आओ, आपको सस्ता पड़ेगा, आप booking.com पे देख लो बट आओ नहीं यहाँ पे, और ये रूम सबसे सस्ता वाला 1000 रुपये के आसपास का। बहन मुझसे नेगोशिएट कर रही थी, मैंने कहा ठीक है 50,000 दे देता हूँ क्योंकि 800 रुपये के आसपास पड़ेगा, 800-900 रुपये के आसपास, डोंट नेगोशिएट विद इंडियंस, वी आर बेस्ट इन दिस, वी लर्न ऑल ऑफ आवर लाइफ डूइंग दिस थिंग। Whenever you barter, you always go so extreme. It's like, oh, they tell you like, okay, this is 50,000. Oh, brother, I'll give you 15. It was like
तो भाई मैं आ गया हूँ, इसका नाम है कंट्री इन मैसिंगी, जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ आज। आज वगैरह कोई 800 रुपये में बात फिक्स हुई कल के सुबह की ब्रेकफास्ट के साथ। कल सुबह 5:30 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और कल सुबह 6 बजे निकलना है मुझे, रात के अभी 9 बज रहे होंगे, नींद सा आना है। तो मैं जाता हूँ अभी खाना पीना खाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आज दोपहर खाना लिया था उसको पैक करवा लिया था, और यहाँ पे आई गेस तो गर्म करवा के खा लूँगा। यही है भाई आज यहाँ पे रह रहा हूँ मैं, कंट्री इन मैसिंगी, ठीक ठाक सी जगह है भाई, सच तो ये जैसा दिखता है। ये भाई अफ्रीका की वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट सिटी होगी, अफ्रीका बोल रहा हूँ मैं, युगांडा की बिगेस्ट सिटी होगी, लेकिन भाई ये गांव जैसा दिखता था, बिल्कुल गांव दिखता है। चलो जो है यहाँ पर एक बात मैंने और नोटिस किया, यहाँ पे इंडियन खाने का ऑप्शन है भाई, पूरा एकदम अफ्रीकन खाने के साथ यहाँ पे इंडियन खाने का ऑप्शन है भाई, छोटे से गांव में, अफ्रीका के गांव ही बोलता हूँ मैं इसे, अफ्रीका के छोटे से गांव में भाई आपको इंडियन खाना मिल रहा है। क्या चाहिए, मतलब चिकन मसाला, चिकन डोसा, डोसा तक दे रहे हैं यार यहाँ पे तो, मतलब क्या है बताओ। चलो ठीक है, जाके खाना पीना खाता हूँ और फिर सो जाऊँगा, आपसे कल सुबह मुलाकात होगी जब मैं आई थिंक अगले वीडियो में डालते हैं उसे, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर। और यहाँ पे इंडियंस काफ़ी आते हैं ये बताना चाह रहा था मैं, यहाँ पे आई गेस 50-60,000 की पॉपुलेशन इंडियंस की पॉपुलेशन है कंपाला में। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये जनरली नॉर्मली यहाँ पे इंडियंस का आना जाना लगा रहता है, इंडियंस को लोग देखते रहते हैं, बट चलो कोई नहीं, मेरे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस था थोड़ा ये। चलो जाके खाना पीना खाता हूँ, अभी सर दर्द होने लगा यार, दिन भर सो नहीं पाया हूँ सही से, कल रात को सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, आज लंबी नींद दूंगा कम से कम 8 घंटे की। तो कल सवेरे उठ के निकलेंगे एक पार्क देखने के लिए, उस पार्क का नाम मुझे याद तो नहीं, कल ही चलेगा पता आपको कि कौन सा पार्क है नहीं है। ओ गुड नाइट, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेरा नाम नोमेड शुभम इंस्टाग्राम पे, कृपया जाकर फॉलो कर लें। यस यही है, वीडियो का शुरुआत में बताया था, आज मैं अंत में ही बता रहा हूँ, गुड नाइट, शुभरात्रि फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम युगांडा, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन अफ्रीका, ये कहते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। आई होप